हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाले HBL पावर सिस्टम्स कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों इस बार 500 को पार, ये बात दोस्तों इसको बहुत जल्द लागू होने वाली है, क्योंकि अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँगा तो पिछले मंथ ये शेयर 500 रुपये को टच करके दोस्तों गिरावट हुई थी, जो कि 450 रुपये के आसपास आ गया था। लेकिन एक और बात इसके लिए अच्छी है कि आपने जो लॉस होता है लॉस, वो लॉस से शेयर रिकवर करवाते हैं, उसके लिए आपको मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि लॉस हमारा लॉस हो रहा है शेयर में, क्योंकि पावर सेक्टर का शेयर है। ये बात क्लियर बोल दूँ आपको, पावर सेक्टर का शेयर आप कोई भी उठा के देख लो रिटर्न के मामले में, कोई भी, अगर कल की बात करता हूँ मैं पिछले रिटर्न शेयर की, तो आपको कोई भी शेयर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 5% के आसपास का जब आपको रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। मैं बात करूँ टारगेट की, कल जो गिरावट हुई ना गिरावट, ये गिरावट आपको बहुत जल्द रिकवर करवा देगा। टारगेट में आपको अगले वीक में टारगेट बात करूँगा मैं, तो आपको 520 रुपये की प्राइस आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम की बात करूँगा मैं, तो कम से कम आपको 490 से कम से कम 700 रुपये की प्राइस आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब ये बात मैंने क्यों बोली आपको, इसका भी एक रीज़न है, पावर सेक्टर का शेयर है ये। जब अगर मैं इसके 1-6 महीने की बात करूँगा यहाँ पे, तो 6 महीने से दोस्तों ये रॉकेट बन रहा है, उड़ान भर रहा है, जो कि शेयर ने 600 रुपये का हाई बना के दोस्तों गिरावट हुई थी 500 रुपये के आसपास। जो भी लॉस हुआ ना आपका, वो लॉस से शेयर बहुत जल्द रिकवर करवा देगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।